वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू के एस एजुकेशनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 16 सितंबर के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग के एग्ज़ाम, कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी, एसएससी, टीचर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखते हैं और वह क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज अगर आप केएस एजुकेशनल हब को फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या रखा है, एक सबसे पहली बात कि इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो अभियंता कहते हैं। भारत में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? देखिए, भारत में इंजीनियर दिवस जो है वो हर 15 सितंबर को मनाया जाता है। और एक्चुअली भारत के एक महान इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया, उनके जन्मदिन के अवसर पर ही हम लोग इंजीनियर दिवस मनाते हैं, जो कि 15 सितंबर को हर साल। अब आपको पता है कि जब डे का बात आता है तो कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट और भी डेज होता है, जैसे सितंबर के महीने की बात कर रहा हूँ, सितंबर के महीने में और इम्पॉर्टेंट डेज क्या क्या है, तो वो आपके लिए मैंने रखा है। 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक होता है, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे होता है, 5 सितंबर को टीचर्स डे, और फिर 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी होता है, 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे, 8 सितंबर को वापस से वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट डे और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, किस राज्य में किया गया है यह भी जरूरी है, किस कंपनी ने किया है यह भी जरूरी है, किस जगह पर हुआ है यह भी जरूरी है। देखिए, ये जो है आंध्र प्रदेश में हुआ है, लेकिन आंध्र प्रदेश में कहाँ, इससे रिलेटेड देखिए। और ये जो इंडस्ट्री है इसका नाम है, ये जो कंपनी है, मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो किसने किया है, मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश के पहले लिथियम सेल उत्पादन का सुविधा तिरुपति, कहाँ पर है ये, तिरुपति में 165 करोड़ की लागत से यह एक्चुअली सुविधा स्थापित किया गया है। और वर्तमान में भारत मुख्य तरीके से देखा तो जो चीन, दक्षिणी कोरिया, वियतनाम और हांगकांग से लिथियम आयन सेल को पूरी तरीके से आयात करता है। 6 सितंबर को पूर्ण लिथियम सेल निर्माण लाइन का प्री प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, 16 सितंबर से, ठीक है, आज के दिन से ही इसका टोटल प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहले हेल्थ एटीएम सेंटर का शुभारंभ किया गया है? देखिए, एक्चुअली ये गोरखपुर से किया गया है, ठीक है, और यह क्वेश्चन अक्सर आने वाले टाइम पे आपको एग्जाम में अभी दिखेगा। किस राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 8 आदिवासी समूहों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौता का हस्ताक्षर किया गया? एक्चुअली ये असम में हुआ है, और थोड़ा सा इससे रिलेटेड न्यूज़ भी समझिएगा कि एक्चुअली केंद्र सरकार ने या और राज्य सरकार के मिलने के बाद यह शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है असम में। इसमें कुछ ऐसे आदिवासी संगठन हैं जैसे कि आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी असम के आदिवासी, कोबरा मिलिटेंट, बिरसा कमांडो फोर्स, संथाल टाइगर फोर्स और आदिवासी पीपल्स आर्मी, कुछ ऐसे संगठन हैं, इनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलाया और इन 8 समूहों के बीच त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इससे कहीं ना कहीं शांति असम में अब धीरे धीरे होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के किस कार्यक्रम की शुरुआत की है?
सवाल यह भी आ सकता है कि किस मंत्री के द्वारा किया गया है, सवाल यह भी आ सकता है कि कौन से कक्षा से कौन से कक्षा तक के छात्रों के लिए किया गया है, सवाल यह भी आ सकता है कि किस कार्यक्रम के लिए है। तो यह कार्यक्रम क्या है, जागृति, मतलब क्या हो गया, अवेकिंग। किस टेनिस खिलाड़ी ने आगामी लेवर कप के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है, एंड नन अदर देन रोजर फेडरर। और ये लेवर कप जो है ये एक्चुअली लंदन में होने वाला है, और इसके बाद रोजर फेडरर ने संन्यास का घोषणा किया है। किसने केनिया के पांचवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, केनिया के पांचवें राष्ट्रपति के रूप में विलियम रूटो ने शपथ लिया है। ठीक है, विलियम रूटो के बारे में समझिएगा कि ये एक केनिया के ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि फिफ्थ और अभी के फिलहाल करंट केनियन प्रेसिडेंट हैं और पांचवें वहां के प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल केनिया का और करेंसी दे दिया मैंने। अब केनिया से रिलेटेड एक और न्यूज़ याद रखिएगा, केनिया और यूनाइटेड किंगडम ने एक ग्लोबल एजुकेशन समिट किया था जिसमें ये एक्चुअली लंदन में हुआ था, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यह था कि कम से कम 5 बिलियन USD रेज करना है फॉर द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो गाइज ये कुछ आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखा था जो 16 सितंबर से था। हम सब वापस ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना KS एजुकेशनल को ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का पता चल पाए। एंड डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ और अपने चहितों के साथ, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। हम सब वापस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए।